मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 22 मई, पहला पाठ, संत यकूब का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1-10 तक। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? इसका कारण ये नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वे ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हमें समावेश किया वे उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वे हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वे आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाएं और वे आपके पास आएगा। पापी, अपने हाथ शुद्ध करें। कपटी, अपना हृदय पवित्र करें। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं और आंसू बहाएं। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वे आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 30-37 तक। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वे तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए,
और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वे सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वे मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वे मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।